वालेकुम सलाम राजा साहब, कैसे हैं? खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। वेलकम टू दी शो। और मैं व्यूअर्स को इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं और व्यूअर्स को बताता चलूं, आज हमारे साथ गेस्ट हैं मिस्टर दिलावर खान तिनोली साहब। ही इज चीफ एग्जीक्यूटिव प्रूडेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और ये आज हमें अवेयरनेस देंगे रिगार्डिंग ISO स्टैंडर्ड, सोशल कंप्लायंस स्टैंडर्ड एंड रिक्वायरमेंट्स एंड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। और बीइंग अ प्रैक्टिशनर, लॉ प्रैक्टिशनर, हम इनसे लेबर लॉज की रिक्वायरमेंट्स और उनकी कम्प्लेक्सिटीज जो ये ड्यूरिंग ऑडिट्स और सोशल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हुए ऑब्जर्व करते हैं, फेस करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, उसके बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी दिलावर साहब, अभी आप अस्सलाम वालेकुम के बाद देन मैं आई विल आस्क यू अ फॉर्मल क्वेश्चन। अभी नाउ ओवर टू यू। अब मैं 1 मिनट के बाद फिर आपसे क्वेश्चन पुट अप करूंगा। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच राय साहब, बहुत मेहरबानी आपने इनवाइट किया यहाँ पे आपने इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन के लिए। सबसे पहले तो मैं सारी चीज़ शुरू करने से पहले एक आपको खराज तहसीन पेश करूँगा कि माशाल्लाह से आप SIRP के प्लेटफॉर्म से जो है नेशनल लेवल पे एक इंडस्ट्रियल हार्मनी और पीस के लिए आप जदोजहद कर रहे हैं और उसके लिए आप एक सॉर्ट ऑफ बड़ा ही रिमार्केबल काम कर रहे हैं। तो वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। चले सर, थैंक यू वेरी मच। ये तो आप लोगों की, दोस्तों की, सीनियर्स की गाइडेंस और सपोर्ट के जरिए ही ये चीज पाया तकमील को पहुंच रही है और इंशाल्लाह ये नो डाउट कि हम सब जॉइंट एफर्ट है और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट सून वी विल बी ऑब्जर्विंग के जी एक पॉजिटिव कम्युनिटी के अंदर इनपुट हम देख रहे होंगे। इंशाल्लाह सो लेट्स स्टार्ट अवर शो जी। अभी जो मेरे पास क्वेश्चन आए जब हमने इसको पोस्ट किया और इस अपने आज के सेशन को, तो कुछ मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं थ्रू मैसेंजर और अदर चैनल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ISO सोशल कंप्लायंस एंड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, प्लीज ब्रीफ अस अबाउट डिफरेंसेस अमंग दीज। इन तीन के अंदर डिफरेंसेस क्या है मेजर, इसको हम कैसे अलग-अलग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं देन फिर आपकी एक्सपर्टीज से भी हम इंशाल्लाह फायदा उठाएंगे जी। ओके जी, वेल थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जो आपने बात की ISO 9000 की स्टैंडर्ड की और फिर सोशल कंप्लायंसेस की स्टैंडर्ड की और फिर इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड की, तो ISO जैसे आपको पता है कि एक इंटरनेशनल इदारा है जो कि स्टैंडर्ड पब्लिश कर रहा होता है, और ISO के तो हज़ारों स्टैंडर्ड्स हैं, राइट? तो जो हमारे पास जो QMS से रिलेटेड है वो ISO 9001 का स्टैंडर्ड है। इसी तरह से इन्वायरमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो ISO 14000 है, और फिर कुछ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से ISO 45000 जो है एक स्टैंडर्ड है जिसको हम जो है फॉलो कर रहे होते हैं या इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। ये तो इस तरह के जो ISO के स्टैंडर्ड हो गए। फिर कुछ सोशल कंप्लायंसेस के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि जिस तरह से ASA 8000 है, उसके साथ साथ रैप का है, फेयर लेबर एसोसिएशन FLA जिसको कहेंगे, और उसके साथ साथ जो है BACI, इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड हैं जो सोशल कंप्लायंसेस को डिस्कस कर रहे होते हैं। और अगर इनका आप डिफरेंसेस पूछेंगे तो मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा इस तरह से बताऊंगा कि जो QMS का स्टैंडर्ड है जैसे 9000 है, तो ये टोटली डिस्कस कर रहा होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इसको अप्लाई कर रहे होते हैं तो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तो ये अप्लाई हो सकता है, ठीक है? और ये फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड जितना भी आपका प्रोसेस होता है, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, ये आपको कहता है कि आपका कंट्रोल इसके ऊपर किस तरह से, आपने सिस्टम के ऊपर, यानी एक आइडिया से लेकर फिनिश प्रोडक्ट की डिलीवरी तक जितने प्रोसेस होते हैं उनके ऊपर आपको आपकी मुकम्मल गिरफ्त है, आपका कंट्रोल है। तो ये स्टैंडर्ड आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा होता है रिगार्डलेस के कौन सी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या ऑयल रिफाइनरी या वट एवर जो भी है। तो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसकी एक फ्लेक्सिबिलिटी तो ये है। अच्छा, अदर देन दिस जो है, इसी तरह से जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड हैं वो हैं आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ISO 14001। तो इसका भी नया वर्जन 2015 में जो है वो पब्लिश हुआ है। तो ये टोटली डिस्कस कर रहा होता है इन्वायरमेंट को, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी इंटरप्राइज के अंदर इन्वायरमेंटल उसके एस्पेक्ट्स हैं और उसके क्या इम्पैक्ट हैं सोसाइटी के ऊपर, या विदिन विदिन द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्वायरमेंटल क्या इम्पैक्ट हैं,
और उन इम्पैक्ट को ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से कंट्रोल कर रही है, किस तरह से रिड्यूस कर रही है, किस तरह से मिनिमाइज कर रही है। तो टोटल इसकी डिस्कशन जो है वो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड की डिस्कशन ये है कि कहीं पे इस स्टैंडर्ड के अंदर जो है हमारे लोकल लॉ भी जो है वो डायरेक्टली तो रेफर नहीं होते, मगर उनकी तरफ इशारा किया जाता है कि आपके जो लोकल एप्लीकेबल लॉज हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड वो आपने फॉलो करने हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं सोशल कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स की। तो सोशल कंप्लायंस के जो इसमें स्टैंडर्ड जी सर इसमें काइंडली अभी चूंकि ये इनके स्टैंडर्ड्स का इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन अभी क्लोज हुआ है तो इसके क्लोजअप में काइंडली बता दीजिएगा। लाइक जैसे आईएसओ में ISO का जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड चल रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से, जी क्या ये ISO 9001 इसको कहा जाता है, नंबर वन। नंबर टू, सोशल कंप्लाइंस में क्या SA 8000 इस वक्त एक लेटेस्ट वर्जन है। थर्ड इज क्या इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स में ISO 14001 इज द लेटेस्ट वन। तो ये काइंडली इसमें गाइड कर दीजिएगा कि लेटेस्ट मॉडल जो है इनके कौन से चल रहे हैं। राइट जो सबसे पहले तो हम QMS की बात करेंगे। ISO 9001 जो है ये अभी लेटेस्ट स्टैंडर्ड, इसके साथ जो वर्जन इसका है 2015। तो जब भी हम स्टैंडर्ड को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या उसका नाम ले रहे होते हैं तो हम उसको उसका वर्जन साथ में काउंट कर रहे होते हैं, यानी इसका पूरा यूं करेंगे हम इसको ISO 9001 2015 राइट कॉलन के बाद। इसी तरह से जो आपने एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड की बात की तो वो ISO 14000 2015, तो यानी इनके जो अपडेटेड वर्जन है वो 2015 के हैं। तो स्टैंडर्ड का प्रोटोकॉल ये है इन सब का कि एवरी आफ्टर 5 ईयर जो है स्टैंडर्ड रिवाइज होते रहते हैं और उनका अपडेटेड वर्जन जो है वो आते रहते हैं। इसी तरह से जो जी SA 8000 है वो सोशल कंप्लाइंस स्टैंडर्ड 2014 उसका वर्जन है, वो अभी करंटली जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। जी जी थैंक यू। अभी सर नेक्स्ट थोड़ी सी एक और समटाइम कंफ्यूजन आती है, इसको भी काइंडली क्लियर कर दीजिएगा। जी कुछ बायर्स कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं और कुछ रिटेलर्स कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ये क्या इनसे जो ऑलरेडी डिस्कस कर ली है हमने, इनसे डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं बायर एंड रिटेलर कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए इनमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, बायर्स या रिटेलर कोड ऑफ कंडक्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट यूज की जाती है। होता क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा आपको एलाबरेट कर देता हूँ इसका, कि जैसे वॉलमार्ट है तो वॉलमार्ट जो है एट अ टाइम बायर भी होता है और एट अ टाइम सेम टाइम जो है वो रिटेलर भी है, ठीक है। तो रिटेलर की टर्म लोग यूज कर रहे होते हैं क्योंकि वॉलमार्ट जो है वर्ल्ड वाइड रिटेलर है। इसी तरह से आपका आइकिया है या इंडिटेक्स है या दूसरे जो ग्लोबल रिटेलर हैं जिनकी चेन्स हैं इस तरह से, तो उनको रिटेलर भी कह रहे होते हैं और हम बायर भी कह रहे होते हैं। तो स्टैंडर्ड जो है वो इन्हीं एक ही होता है, यानी वो बायर का स्टैंडर्ड भी इसको कह सकते हैं और रिटेलर स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि बीच में इम्पोर्टर इन्वॉल्व होता है, तो इम्पोर्टर का कोई ऐसा अपना स्टैंडर्ड नहीं होता, अल्टीमेटली जो स्टैंडर्ड होता है वो बड़े रिटेलर का ही अपना बनाया होता है। जी थैंक यू। इसमें नेक्स्ट था ये कि व्हाई ऑर्गेनाइजेशन नीड टू डू दीज टू गेट दीज ऑल सोशल कंप्लायंसेस और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये स्टैंडर्ड्स जो हैं इनकी सर्टिफिकेशंस लेती हैं और उनको ये करने की क्या जरूरत है। देखें अगर अभी आप टिपिकली सोशल कंप्लाइंसेस के स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो देखें अभी ये हुआ है कि ग्लोबली जो है जो बड़े बिजनेसेस हैं ग्लोबली बड़े रिटेल चेन्स और इस तरह के हैं, तो वो अब अपने आप को सोशली रिस्पॉन्सिबल गिरदानते हैं कि हम जो है सोशली रिस्पॉन्सिबल। CSR की कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि जो इसके अंदर कवर होती हैं। और इसी तरह से देखा जाए तो जो बायर के ऊपर या रिटेलर के ऊपर जो है, एक तो उसका कंट्री की तरफ से जो लीगल प्रेशर होता है, सेकंड जो है डिफरेंट NGOs की तरफ से भी एक प्रेशर हमेशा रहता है, और खुद से भी जो कॉरपोरेट गवर्नेंस की उनकी जो पॉलिसीज होती हैं उसके अंदर CSR एक जो है मैंडेटरी एलिमेंट है राइट। और ये सारी चीज़ों का समझने के एक सॉर्ट ऑफ मिक्स हो के फिर ये पाबंद होते हैं कि ये एक ऐसा अपना कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट करेंगे जो कि ये सारे रिक्वायरमेंट को एक यकजा करके जो है एक स्टैंडर्ड बनाएगा। फिर इसी तरह से देखा जाए तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ILO के कुछ इंटरनेशनल लेबर के स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी वो उनके ऊपर ज़रूरी होती है। तो
तो ये सारी चीजों का मिक्स बन के जो है ये हमारे सामने जो है ये स्टैंडर्ड आ रहे होते हैं इसके फाइल से ये जी रिटर्न। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं इसको लोकल प्रोस्पेक्टिव में चाह रहा हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी, जो भी देख रहे हैं और जो इसको बाद में भी वीडियोस को देखेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारा ये लोकली जो है, ये ऑर्गेनाइजेशंस इन स्टैंडर्ड्स को मीट क्यों करती हैं, और पाकिस्तान के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस स्टैंडर्ड को अटेन करना है, ये सर्टिफिकेशंस लेनी है, तो अभी क्या प्रैक्टिसेस और प्रोसेसेस क्या हैं इसके, यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसेस क्या है इसका, काइंडली इसके बारे में भी बता दीजिए हमें। देखिए राय साहब, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक तो सबसे पहले ये है कि जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हैं या वो आपके जो स्पोर्ट्स गुड्स हैं या वट एवर इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो उन्होंने तो इसको एडॉप्ट किया हुआ है। यानी जो ग्लोबल रिटेलर्स हैं उनकी तरफ से एक इनके जब इनिशियली एग्रीमेंट हो रहा होता है तो वो इनको कुछ चीज़ों के लिए पाबंद कर रहे होते हैं। अब यूरोप और अमेरिका में देखा जाए तो उनकी जो जो इम्पोर्टेंस की एसोसिएशन बनी हुई है, अमेरिका में मिसाल के तौर पे फेयर लेबर एसोसिएशन है, जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए जो गारमेंट बन के जा रहा होता है तो उनका उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट अपने बनाए हुए हैं। इसी तरह से यूरोप के, ये अमेरिका में और यूरोप के अंदर BSCI है, यानी बिजनेस सोशल कंप्लायंस इनिशिएटिव, के पूरे यूरोप के अंदर जितने भी वहाँ के इम्पोर्टर्स हैं वो उसके मेंबर्स हैं, और उसका एक सर्टन कोड ऑफ कंडक्ट है जो टोटली बेस कर रहा होता है हमारे ILO के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये बेसिक जो कन्वेंशन है उनके ऊपर। तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं वो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप सब कह सकते हैं कि मोर देन 95% जो है वो उसको फॉलो कर रही हैं और उसके अंदर जो है उनका काम चल रहा है। जहाँ तक बात है जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो लोकल प्रोड्यूस कर रही हैं, तो अभी तक उनमें ये चीज़ इतनी आम नहीं हुई, यानी इन स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना अभी वो उनके लिए थोड़ा सा टफ भी है और इतनी उसकी आगाही भी नहीं है और कहीं से प्रेशर भी नहीं है उनके ऊपर। एक ये बड़ी खास बात है कि उनके ऊपर कहीं एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, तो वो उसको बदर नहीं कर रहे कि हमने जैसे फेयर लेबर एसोसिएशन का है या SA8000 का या और कोई सोशल कंप्लायंस का स्टैंडर्ड जो है वो अडॉप्ट करना है, तो वो बरी जिम्मा है। यानी जो लोकल है एक्सपोर्ट वाले जो है वो पाबंद हो जाते हैं अपने रिटेलर के थ्रू। जी, यहाँ तक दिस इज वेरी मच क्लियर कि जी किन ऑर्गेनाइजेशंस को ये सर्टिफिकेशन चाहिए, तो आंसर आपका यही है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को चाहिए। तो जी जी अभी किसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी जो है उसको अभी लेना चाह रही है, हाँ हाँ नया बिजनेस है या पिछली सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो चुकी है, जी तो जी काइंडली उसके हवाले से गाइड कीजिए कि वो क्या स्टेप्स होते हैं ताकि वो सर्टिफिकेशन की फाइनल स्टेज तक वो लोग पहुंच सकें। इसके लिए ये कि अब जैसे आपने खुद जिक्र किया डिफरेंट स्टैंडर्ड, जैसे SA8000 का एक स्टैंडर्ड है, फिर रैप का जैसे वर्ल्ड वाइड रिस्पॉन्सिबल एक्रीडिटेड प्रोडक्शन का प्रिंसिपल का एक स्टैंडर्ड है, ये अमेरिका का है, और ये सोशल कंप्लायंस का जो SA का है ये ग्लोबल है, यानी इनिशिएट तो ये यूरोप से हुआ है मगर ग्लोबली इसकी एक्सेप्टेंस है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इसमें जाना चाह रही है, जब हम इसकी वेबसाइट पे जा रहे होते हैं तो वहाँ पे इसके ऑथराइज मॉनिटर जो है वो मेंशन होते हैं, यानी इनकी वेबसाइट BSCI के भी होंगे, SA8000 के भी होंगे और रैप वगैरह के भी, इस तरह से। BSCI का थोड़ा सा प्रोटोकॉल डिफरेंट है, वो वहाँ से इनिशिएट होता है, ये बाकी जो स्टैंडर्ड है इनकी वेबसाइट के ऊपर जो ऑथराइज मॉनिटर है, मॉनिटर से मेरी मुराद जो है टेस्टिंग बॉडी या सर्टिफिकेशन बॉडी जो काम कर रही है, जो ग्लोबल है और पाकिस्तान में भी उनकी प्रेजेंस है। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए सर्टिफिकेशन के लिए जाना है तो वो वेबसाइट से उनका एड्रेस पता कर दें, उसमें लिस्ट होती है कि 1, 2, 3, 4, 5 ये ऑर्गेनाइजेशन या ये सर्टिफिकेशन बॉडीज जो हैं वो ऑथराइज हैं इस ऑडिट ये ऑडिट कंडक्ट करने के लिए, फिर वो उनको अप्रोच करते हैं और देन उसके बाद जो है वो आपस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करके तय करके उसके बाद वो ऑडिट करते हैं। वो अगर रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड की तो देन उन सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट उनको इशू कर रहे होते हैं, अगर वो नहीं कर रहे होते तो फिर उसके कुछ करेक्टिव एक्शन होते हैं कि भाई अगर कोई मेजर नॉन कंप्लाइंस है उनको उसका करेक्टिव एक्शन देना होगा, देन उसके बाद वो जब करेक्टिव एक्शन सक्सेसफुली ले लेते हैं तो फिर उनको वो सर्टिफिकेशन जो है वो वगैरह इश्यू हो जाती है, इस तरह से। सही है। तो इसमें सर आप भी प्रूडेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से कंपनी रन कर रहे हैं, जी जी तो आप जो है इस कंप्लाइंसीज के हवाले से आप क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं, क्या आपके पास आप भी सर्टिफिकेशन के प्रोसेस तक लेके जाते हैं, या जो भी आपका रोल है इसके अंदर काइंडली वो जरा उस पर ब्रीफ दीजिएगा। देखिए राय साहब, इस तरह से है कि हमारे पास एक
हाईली कम्पिटिटिव टीम है इसके ऊपर जो हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। हमसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रब्ता करते हैं कि भाई हमने इस स्टैंडर्ड के ऊपर जाना है, आइदर वो ISO 9000 है, 14 है, या SA1000 का स्टैंडर्ड, वो अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं। हम उस एक गैप एनालिसिस करके तमाम डिटेल देख के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के क्या वहाँ पे क्या एग्जिस्टिंग पोजीशन है, वो देखने के बाद हमारा उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है। फिर एक सर्टन टाइम, चाहे वो 3 महीने या 4 महीने या वट एवर, इससे अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो इससे ज़्यादा भी टाइम हो सकता है, वो हम उनको उसके ऊपर ट्रेन करते हैं सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर उनके जो पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं कंप्लायंस के लिए, वो हम उनको बना के दे रहे होते हैं, और फिर इसी के साथ साथ जो है एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। और जहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी होती है या लीगल, अब क्योंकि हम मैं खुद एडवोकेट भी हूँ हाई कोर्ट का, ऑल्दो कि आई डू नॉट प्रैक्टिस इन कोर्ट, बट ये है कि जो ये एडवाइजरी सर्विसेज हैं लीगल, खासतौर पर लेबर लॉ के ऊपर, तो वो मैं भी उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं हम कि क्या क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं जो आपने बहुत ज़रूरी जो है देखने, और किस तरह से आपने अपनी HR की प्रैक्टिस के अंदर जो है आपने लीगल एलिमेंट जो है वो इनकॉर्पोरेट करने। जब ये 3-4 महीने के प्रोसेस में हम उनको रेडी कर लेते हैं सर्टिफिकेशन के लिए, तो फिर अगेन उनका फिर एक और एग्रीमेंट उनके साथ होता है, जो सर्टिफिकेशन बॉडी होती है वो आके उसको ऑडिट करते हैं, उसमें हम समटाइम खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, यानी एज एन ऑब्जर्वर हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से वो सारी ऑडिट हो रहा होता है। जहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी या कोई उनको प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे हम उनको एडवाइस कर रहे होते हैं या उनके साथ हेल्प कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो ओवरऑल रोल रहता है, ये जितने भी स्टैंडर्ड हैं 9000 के भी हैं और ये सारे भी। जी चले, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। अच्छा ये बताइए, अभी तक आपने, आपकी कंपनी ने, आपकी टीम ने कितनी जो है सर्टिफिकेशंस प्रोसेस करवा ली और क्लियर करवा ली, और क्या आपकी सर्विसेज जो है वो किसी एक सिटी तक लिमिटेड है, या आप अक्रॉस द कंट्री, या किस लेवल पे आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं? राजा साहब, सर्विसेज तो जो हैं वो नेशनल लेवल पे हैं, यानी थ्रू आउट पाकिस्तान हम काम कर रहे होते हैं, और मल्टीपल सर्विसेज हैं, यानी आप के एक तो 9000 के जैसे मैंने स्टैंडर्ड बताया, फिर 14 का है, फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड, इसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, फिर फूड सेफ्टी से रिलेटेड स्टैंडर्ड है ISO का एक 22000 जो है वो फूड सेफ्टी का स्टैंडर्ड है, हम उसके ऊपर भी हमने काम किया है, और हलाल के ऊपर भी काम किया है। इसी तरह से कुछ कंज्यूमर सेफ्टी रिलेटेड, जैसे आपका ओकोटेक्स है या इससे रिलेटेड और रीच वगैरह, ये तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जो यहाँ पे चल रहे होते हैं, उनके ऊपर हम जो है वो काम कर रहे होते हैं। तकरीबन आप समझ लेंगे more than 100 जो है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम काम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सक्सेसफुली जो है उन्होंने सर्टिफिकेशन जो है वो उसकी अचीव की है। कुछ अदर देन सर्टिफिकेशंस, कुछ बायर्स ऑडिट हुए हैं तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सक्सेसफुल रहे हैं, और मैं बड़ा प्राउडली ये आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ कि एक टाइम 2008 के अंदर एक टाइम ऐसा था कि एक बड़ा बायर था कोल्स, उसकी एक अच्छी खासी ऑर्डर की क्वांटिटी थी, तो उस टाइम पे उसका जो प्रोटोकॉल था वो ज़रा समझ नहीं आ रहा था ऑर्गेनाइजेशन को, तो हमने उसके ऊपर बड़ा लगन से मेहनत से काम किया 4-5 महीने, तो 3 ऑर्गेनाइजेशन को हमने उस टाइम पे एक सर्टन टाइम में हमने उनके साथ काम किया और उनको उसके लिए रेडी किया, और बड़ा ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर जो है हमने अमेरिका से यहाँ पे लेके आए, और वो ऑर्डर यहाँ पे प्रोसेस हुआ और शिप हुआ आराम से। वो सारी काविशें हमारी जो है उन उन टीम के साथ मिल के थी, और उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीलेंट, वो हमने अचीव किया। माशाल्लाह। ये तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जी आप ये नेशनल इकोनॉमी के अंदर भी आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि हमारे मेनली आजकल स्पेशल चैलेंजेस हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट अगर बढ़ जाए तो इससे अच्छा जो है और क्या हो सकता है, कि हमें तो मैक्सिमम डॉलर चाहिए हमें जो है वो, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो सर्वाइव कर सके, स्टेबल हो सके। बिल्कुल सही। देखें तो और ग्लोबली कोई, अभी सर, हाँ ग्लोबली जो है ये सोशल कंप्लाइंसेस और ये सारी चीजें डेफिनेटली अब जो है वो एक चैलेंज बनी हुई है। मतलब चैलेंज से मुराद ये कि जो खास तौर पे हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं, उनमें ये बड़े इश्यूज और बड़े प्रॉब्लम हैं, और जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरनेशनल बायर्स के कोड ऑफ कंडक्ट हैं या ILO के जो लेबर स्टैंडर्ड हैं, इन सब का कंप्लायंस जो है एक ओवरऑल जो है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस वक्त चैलेंज है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह
काफी हद तक इन खासतौर पर टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है उनके साथ मिलके काम किया, और काफी अभी तक जो है ओवरऑल हमारी जो है उसमें सक्सेस रही है, और ये एक आप चलें समझो कुछ माशाल्लाह, मैंडेटरी एलिमेंट बना हुआ। चलें जी माशाल्लाह, एक्सीलेंट सर्विसेज। अच्छा सर, थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ये बताइएगा, जब आप सोशल कंप्लायंस और ये दीगर आईएसओ स्टैंडर्ड्स की जाते हैं उसकी सर्टिफिकेशन और प्री ऑर्डर्स के लिए, तो चूंकि हमारा एक कॉमन एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये दोनों हैं, तो इसमें आप कौन कौन सी मेजर चैलेंजेस देखते हैं? हमारी प्रैक्टिसेज और लोकल लॉज जो हैं वो, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये किस तरीके से इनमें रब्त कैसे कायम हुआ हुआ है, ये कैसे इनको इकट्ठे लेके कैसे चला जा रहा है, क्या ये आपस में मुताबकत रखते हैं या इनके अंदर कुछ चैलेंजेस हैं? देखें सर, इस तरह से है कि मैं खुद असेसर भी हूँ, यानी मैंने फेयर लेबर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ऑडिट भी कंडक्ट किए हैं, और कुछ बायर्स के जैसे बड़े जो रिटेलर हैं उनके बिहाफ पे भी मैंने ऑडिट कंडक्ट किए हैं। और जो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है वो इस तरह से रहा है कि मिला जुला सारा वो चीज़ है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो थोड़ी सी जो है वो समझने के जिनको लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, यानी स्मॉल एंड मीडियम नहीं, तो उन ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ों की जो लेबर स्टैंडर्ड हैं या लेबर प्रैक्टिसेज हैं वो फॉलो हो रही हैं, जो कि एज पर हमारे लॉ के मुताबिक हैं और या ILO स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। बट जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए डेफिनेटली जो है वो चैलेंजेस हैं, और वो इवन मिनिमम वेज का इशू आ रहा होता है, हम जो है यंग वर्कर का इशू आ रहा होता है, फिर इसके साथ साथ जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के जो मैटर्स हैं उनके बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और वो सेफ्टी के वो वाले मेजर्स जो है वो नहीं लिए होते हैं, यानी मिसाल के तौर पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, कोई वेल्डिंग कर रहा है तो उसके प्रॉपर इक्विपमेंट, या कोई अगर फ्लोर के ऊपर वीविंग के अंदर ये तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है जहाँ पे उसका एयर हेयरिंग का इशू आ रहा है कि वहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, तो वो उसकी समातों के लिए जो है वो एक सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव होता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और बाकी जो मैकेनिकल प्रोसेस या मशीन मेंटेनेंस या इस तरह से जो बड़ी हैवी मशीनरी पे लोग काम कर रहे होते हैं उनके साथ भी सेफ्टी के बड़े जो है वो चैलेंजेस होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो हमने जो देखा है अब आस्ता आस्ता ग्रेजुअली जो है अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब आस्ता आस्ता उसको समझने के उनको प्रोवाइड कर रही है ये सारे जो आपके पीपीज जिनको हम कहते हैं। और इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मिनिमम वेज का जैसे मैंने आपसे अर्ज किया ये है, और क्या नाम है अंडर एज वर्कर का है, फिर ओवर टाइम के जो पेमेंट है उसका इशू होता है, पेमेंट के डिलेज होते हैं, ये मामला होते हैं, फिर हमारे जो सोशल सिक्योरिटी या EOBI के जो बेनिफिट्स हैं वो क्योंकि लीगली जो है ज़रूरी हैं बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उनके उनमें ये होता है कि 100% कंप्लाइंस जो है वो उस तरह से अभी नहीं कर पा। फिर आपको पता है कि जो इदारे हैं उनकी भी इस तरह की पोजिशन होती है कि वो इतने स्टेबल नहीं है, स्टेबल तो ऑलरेडी हैं बट उनका वो अभी तक पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें जो इस तरह से इतनी स्ट्रांग नहीं हुई कि सारी जितनी भी SMEs हैं या मीडियम लार्ज साइज की ऑर्गेनाइजेशन है वो 100% अपने एम्प्लॉयज़ को EOBI और सोशल सिक्योरिटी के अंदर इनरोल करें। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, खासतौर पर SMEs के अंदर, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बड़े जो जो ग्रुप्स हैं उन्होंने काफी हद तक चीजें जो है वो मेंटेन की। अभी सर एक पंजाब के अंदर एक रिसेंट डेवलपमेंट आई है देखने में, सोशल सिक्योरिटी की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई आज से 3-4 रोज कबल, तो उसके अंदर थर्ड पार्टी एवेल्युएशन की बात की गई कि पंजाब सोशल सिक्योरिटी उस तरफ जा रही है। अभी आपने, आपके डेफिनेटली नॉलेज में होगा, सीएम पंजाब ने थ्रू ए प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको फैक्ट्री लेबर इंस्पेक्शन और सोशल सिक्योरिटी इंस्पेक्शंस के ऊपर अनाउंस किया था कि ये उस तरीके से बिजनेसमैन कम्युनिटी और इंडस्ट्रीज को ये इनके खिलाफ कंप्लेंट्स भी थी नेचुरली, तो इनको मना किया गया कि अभी आप वो इंस्पेक्शंस वगैरह उस तरीके से कंडक्ट नहीं करेंगे। तो उसी की कंटिन्यूटी में आई थिंक ये उस ये जो अभी रिसेंटली 3-4 रोज कबल मीटिंग हुई है सोशल सिक्योरिटी गवर्निंग बॉडी की,
तो उसके अंदर ये पॉइंट होगा डेफिनेटली। तो जिस पे ये रिस्पांस आया कि जी अभी जो है ये थर्ड पार्टी वैल्यूएशन की तरफ सोशल सिक्योरिटी भी जा रहा है, अभी सोशल सिक्योरिटी जाता है और देन ये दूसरे ही ऑर्गेनाइजेशंस भी लाइक ईओबी, लेबर डिपार्टमेंट, ये भी इसको फॉलो करते हैं। तो इस ये एक नेचुरल भी है, मैं आपको बताऊं। मैं इसको इस पे डिबेट तो काफी अरसे से चल रही थी कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे इंस्पेक्शन उस तरीके से करने की जरूरत नहीं है जो एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आपने भी हाईलाइट की, जहाँ पे अभी तक मिनिमम वेज के इश्यूज हैं और पीपीज के इश्यूज हैं। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के एट पार आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और नेशनल लेवल के बड़े ग्रुप्स को उस लेवल पे इक्वली ट्रीट नहीं करना चाहिए, लाइक एक फ्लोर मिल और घी मिल, इस तरीके से जो है उनका ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये काफी देर से डिमांड थी कि जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्या उनको भी क्यों इस तरीके से लेबर डिपार्टमेंट और सोशल सिक्योरिटी वो भी आके एक रूटीन की तरह चेक कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा मुस्बत आउटपुट है फ्रॉम मीटिंग और रिसेंट मीटिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी गवर्निंग बॉडी। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, ये एक लग रहा है ये इसकी इम्पोर्टेंस मजीद ज्यादा बढ़ जाएगी ये इन सर्टिफिकेशंस की, आई स्टैंडर्ड्स की। जैसे अभी प्योरली हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जो हैं वो इस चीज को ले रही हैं, लेकिन अगर लोकल लॉज भी इस चीज को एक्नोलेज कर लें तो ये लोकल कंपनीज जो हैं जो एक्सपोर्ट नहीं करती तो उनको भी ये सर्टिफिकेशंस जो हैं वो लीगली रिक्वायर्ड हो जाएंगी। तो आप इन का कंपैरिजन कैसे करते हैं कि इंस्पेक्शन कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, थर्ड पार्टी की तरफ इन लोगों का मूव कराना और फ्यूचर में ये एज ए अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में, आप इसको कैसे देख रहे हैं और इस पे आप क्या अपनी राय क्या देंगे? सब ये तो बड़ी जबरदस्त आपने बात, मैंने मेरी उससे भी गुजरा था, मैंने भी अखबार का एक वो पढ़ी थी इस तरह की कि पंजाब में ये हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा एक पहले तो ये नहीं समझ आया कि जो एक लॉ है, जो असेंबली का बना हुआ एक्ट है, जो चल रहे हैं और उनको फॉर द टाइम बीइंग इन्होंने थोड़ा रोक के जो है एक इनके ऑर्डर के यानी चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर के ऊपर जो है ये कर रहे हैं, एक तो पहले ये नहीं समझ आ रहा। एनीवे अगर ये कर भी रहे हैं इसमें तो मैं इसको अभी उस तरह से 100% फेवर भी नहीं कर सकता। देखिए इसमें ये है कि अगर ये असल चीज यहाँ पे है कंट्रोल, यानी जो ऑडिट या असेसमेंट परफॉर्म करने वाला डिपार्टमेंट है, आइदर वो गवर्नमेंट का है या वो थर्ड पार्टी है, प्राइवेट है, दोनों को मतलब अब अगर कंट्रोल गवर्नमेंट पे नहीं है तो फिर भी प्रॉब्लम है। अगर आप थर्ड पार्टी वाले को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, जब उसको आप ऑडिट की अपॉर्चुनिटी देंगे या उसको कहेंगे कि भाई आप जाके ऑडिट या असेसमेंट कंडक्ट करो, तो वहां पे क्या श्योरिटी होगी कि वो जो है वो नहीं करेगा कोई समझने के उसको क्या कह सकते हैं करप्शन या इस तरह की चीज जो है उसमें चांसेस कम हो जाएंगे। मेरा इसमें मैं अभी 100% इत्तेफाक नहीं कर सकता। हाँ अलबत्ता ये है कि अभी एक इंटरनेशनल आईएसओ का एक स्टैंडर्ड है आईएसओ 37001, ये टोटली एंटी ब्राइबरी के ऊपर डिस्कस कर रहा होता है और ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड है जो कि अभी पाकिस्तान में उस तरह से नहीं आया। अभी तक एक भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आईएसओ 37001 के अगेंस्ट जो है वो सर्टिफाइड नहीं है। मैंने गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल से भी बात करने की, इसके ऊपर रब्ता करने की कोशिश की थी सीनियर लोगों से, और अभी भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर इस स्टैंडर्ड को जो है ऑफिशियली आपके लाइक ईओबीआई, सोशल सिक्योरिटी और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई किया जाए तो इसके बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स आ सकते हैं। यानी वहां पे आपको जितने भी गैप्स हैं वो उनके ऊपर कंट्रोल होगा और एक ट्रांसपेरेंसी को जो है वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो यानी उसके ऊपर फोकस होगा अगर ये स्टैंडर्ड जो है इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि ये ऑडिटेबल स्टैंडर्ड है, हर 6-6 महीने के बाद इसके ऑडिट होते रहते हैं। तो एक तो इसके थ्रू इन जो मौजूदा इदारे हैं उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी या शफाफियत या जो भी आप कह सकते हैं वो चीज़ लाई जा सकती है। अब जो टिपिकली आपके क्वेश्चन पे बात है तो वो अभी मिला जुला रुझान है, यानी चांसेस ऐसा है कि वो सक्सेसफुल भी हो जाए। फिर आपके जो ये डिपार्टमेंट्स हैं, आपका लेबर डिपार्टमेंट है या आपका वो है, तो अथॉरिटी टाइप ऑफ चीज जो है वो
तो बीच में से निकल जाएगी ना, अथॉरिटी तो नहीं रहेगी। आप तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को वो कर रहे हैं, तो इनके पास तो सर्टेन अथॉरिटीज भी हैं, जुर्माने कर सकते हैं, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। तो जो लॉ में लिखा हुआ है कि जो जुर्माना है या जो फाइन है, जो इस तरह की चीज है, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर फोकस किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, आपके जो इदारे हैं उनको उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनका मॉनिटरिंग सख्त की जाए और उनकी सारी चीजें प्रॉपरली देखे जाए, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उसमें अगर जहाँ आप समझ देंगे और हायरिंग की गुंजाइश है, यानी जैसे लेबर इंस्पेक्शन का एरिया काफी वीक है, इंस्पेक्टर ट्रेंड नहीं है, और बहुत सारे जो है अनफॉर्चुनेटली आपको भी पता होगा कि बहुत सारे लोग जो है पंजाब में, सिंध में, इन सब जगहों पे जो है वो निपोटिज्म की बुनियाद पे और इस तरह से भर्ती हुए हैं। ये मैं अभी इस फोरम पे आई डोंट नो कि मुझे कहना चाहिए, मगर जो हकीकत है वो हकीकत है। ऐसा है कि वो इतने केपेबल उस तरह से नहीं है कि वो जाके इंस्पेक्शन करें या उसको उसको करें। उसी पैटर्न, जो पैटर्न प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, वही पैटर्न अगर इनको दिया जाए कि आप इंस्पेक्शन करो, आप लेबर डिपार्टमेंट की एक वेबसाइट हो, वेबसाइट के ऊपर हर फैक्ट्री की जो है इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है उधर डाली जाए, हर एक उसको व्यू कर सके, कोई भी एनजीओ या कोई तनकीद करना चाहे तो वहां जाके तनकीद भी कर सके। इसी तरह से ईओबीए सोशल सिक्योरिटी का भी ऐसा होना चाहिए, जब ऑडिट हो तो ऑडिट की रिपोर्ट वेबसाइट पे कंपनी के नाम के साथ पब्लिश हो कि कितने आदमी इसमें रजिस्टर्ड कराए हुए हैं, कितने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आदमी हैं। आप जरा इस बात पे गौर कीजिएगा कि ये अगर शफाफियत अगर चाह रहे हैं तो इनकी वेबसाइट को पहल कराएं, और हर जितने भी उनके साथ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइजेस हैं सबकी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो वेबसाइट पे उनके अकाउंट के साथ पब्लिश हो। अभी मैं थोड़ी सी एग्जांपल उधर दे देता हूँ, जैसे बीएसएआई जो जो ये बिजनेस सोशल कंप्लायंस इनिशिएटिव जो M4E बीएसएआई जो यूरोपियन इदारा है, इसमें होता है कि जब एक कंपनी का ऑडिट होता है तो उसकी रिपोर्ट ऑफिशियली जो है बीएसएआई की वेबसाइट पे पब्लिश हो जाती है। यूरोप के अंदर कोई भी रिटेलर, जैसे पाकिस्तान के अंदर एक्स वाई जेड कंपनी उसके साथ काम करना चाह रहा है, तो वो उस वेबसाइट पे जाएगा, उसमें देखेगा कि उसकी रिपोर्ट क्या रही, उसकी पोजीशन क्या है, यानी कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ से वो उसने कितना अचीव किया हुआ। वो देखेगा कि भाई ये इस ग्रेड में आ रहा है, बिल्कुल इसके यहाँ कंप्लायंस की कोई इशू नहीं है, तो वो बड़ा धड़ल्ले से जो है ऑर्डर ऑर्डर प्लेस कर देगा। एक वो देखता है कि इसकी पोजीशन वीक है तो वो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए कहेगा। सेम इसी तरह से हमारे ये इंस्टीट्यूट जो है, इनकी वेबसाइट अगर फाल हो तो हमारी ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी रिपोर्ट वहां पे जाए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिलैक्स देना चाह रहे हो तो आप उनमें रिलैक्स कर दो ना कानून, आप कहो कि भाई ठीक है आप ये कम कर दो, ये चीज कम कर दो, ये इंस्पेक्शन का लेवल रिड्यूस कर दो, आप उनकी अथॉरिटी कम कर दो और इस तरह की चीजें कर दो, मगर जितना आपने काम करना है वो आप उनसे ले सकते हैं, आप जो मौजूदा आपके एग्जिस्टिंग इदारे हैं आप उनसे वो काम ले सकते हैं। मैं नहीं समझता कि ये इसमें टोटली जो है हम इस पे चले जाएंगे भाई ठीक है थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं, उनको जो है वो फारिग करते हैं। थैंक यू। इसमें थोड़ा सा मैं भी इनपुट देना चाहूंगा इस डेवलपमेंट के ऊपर। मुझे भी डिफरेंट फोरम पे मौका मिला इस पे बात करने का, तो जी। जो एक कंसेंसस वहाँ बनता हुआ मुझे नजर आया वो यही था कि ये थर्ड पार्टी ऑडिट को इनकरेज करने में ये फायदा होगा कि एक तो न्यूट्रल असेसमेंट आ जाएगी। अच्छा, वो न्यूट्रल असेसमेंट जो है वो सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ लेबर डिपार्टमेंट ही होगी, अच्छा और अभी जो लेबर डिपार्टमेंट या जो भी कंसर्न गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनका जो रियल चैलेंज है दैट इज देयर वी कैन से अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। उनमें मैंने देखा है स्पेशली पंजाब में ऑफिसर्स की कैपेसिटी में माशाल्लाह यहाँ पे उस तरह हमें इशू नहीं नजर आता, दे आर वेरी मच कॉम्पिटेंट। और हमारे यहाँ से मैं कुछ ऐसे ऑफिसर्स को भी जानता हूँ जो ILO में जाके ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते रहे या कर रहे हैं, और उस लेवल पे अगर हमारे लिए जो इंस्पायरेशन है ऐसे लोग जो एक इदारे का नाम इंटरनेशनल लेवल पे भी एक अच्छा नाम पैदा करते हैं। तो इशू ये था जो जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी की तरफ बात मेच्योर हुई कि रिसोर्सेज नहीं होते, मैन पावर रिसोर्सेज नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, अदरवाइज भी मूवमेंट नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ गई हैं। अब ये थर्ड पार्टी के अंदर एक जो टेक्निकल चीज है दैट इज द कॉस्ट ऑफ ऑडिट, तो ये डायरेक्टली अब जो है वो एम्प्लॉयर को बेयर करनी पड़ेगी। तो
एक उसके पास ऑडिट लेबर डिपार्टमेंट के पास कंडक्टेड ऑडिट ऑडिट चला जाएगा, उसका उस पर डिस्क्रिशन होगी उस पर मुत्तफिक होना या ना होना। इन केस ऑफ एनी डाउट वो दोबारा इन फील्ड आ जाएंगे और उस कंडक्टेड ऑडिट के अगेंस्ट जो भी उनकी क्वेरीज होंगी उसको रिवेरीफाई कर सकते हैं। तो ये इस तरह की डिबेट चल रही है। तो अच्छा मेरे ख्याल से जी ये एक इंशाल्लाह सक्सेसफुल मॉडल रहेगा, और इसको मैं थोड़ा लिंक इसलिए कर रहा था इसके साथ, इस प्रोफेशन के साथ, कि जैसे माशाल्लाह आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, आपके हंड्रेड्स ऑफ ऑडिट्स और प्री ऑडिट्स आप कंडक्ट कर चुके हैं, सर्विसेज रेंडर कर चुके हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की या इस फील्ड में ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही है। तो मैं इस हवाले से इसको लिंक कर रहा था कि इसको आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इस प्रोफेशन में हम देखते हैं कि ये कंप्लाइंस वाली साइट पे, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस वाली साइट पे, हमें उस तरीके से एक्सपर्ट लोग तो हैं, लेकिन उनका नंबर बड़ा लिमिटेड है। तो इसको एज ए प्रोफेशन आप कैसे सजेस्ट करते हैं, अगर जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं या अभी देखेंगे इस वीडियो को बाद में? हाँ, इसमें देखें, पहले तो मैं थोड़ा सा एक मुझे आंसर कीजिएगा। अभी जो बात हो रही है पंजाब में, वो सोशल सिक्योरिटी और लेबर डिपार्टमेंट दोनों की हो रही है या एक की किसी की बात हो रही है? अभी जो बात आई है वो सोशल सिक्योरिटी गवर्निंग बॉडी से बात बाहर आई है, कि उन्होंने बात की है कि अभी थर्ड पार्टी की तरफ वो जाएंगे। तो फिर वो जाहिर अल्टीमेटली है अभी थ्रू लेजिस्लेशन या थ्रू नोटिफिकेशन जाएंगे, वो एक मीटिंग का मिनट तो उस तरफ नहीं ले जा सकता। इस पर कोई नोटिफिकेशन आएगा फॉर्मली, कोई लेजिस्लेशन फॉर्मली होगी, तो लेकिन इसको पॉइंट को कंसिडर किया गया है। मैं देखिए, मैं एक कुछ हद तक इस बात पे ऐसा जो मुझे थोड़ा बहुत ऐसे समझ में आ रहा है कि अगर सोशल सिक्योरिटी और लेबर डिपार्टमेंट दोनों को जो है, अगर उसके एक्सटर्नल कोलाबरेटर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल कोलाबरेटर जो है इन्वॉल्व करना कोई बुरी बात उसमें गलत नहीं है। यानी वो, क्योंकि प्राइमरी अथॉरिटी जो है वो लेबर डिपार्टमेंट की ही होगी और सोशल सिक्योरिटी की ही होगी, ठीक है। अब वो उनके साथ एक्सटर्नल कोलाबरेटर जो प्रोफेशनल हैं या जो ट्रेंड हैं या जो मतलब कि अब आप देखें, ये मॉडर्न एजुकेशन अभी हो रही है, एचआर में भी और कंप्लायंसेस में भी और आईआर में भी सारी चीज़ें हो रही हैं। अब वो पुराना, आज से 10 साल पहले जो चीज़ें थी अब वो नहीं है। अब एजुकेशन में भी बड़ा एडवांसमेंट आ गई, तो काफ़ी लोग अच्छे पढ़ लिख के आगे आ गए। तो ये लोग जो है काफ़ी हेल्प कर सकते हैं ऐसे मार्केट में, आपके पूरे पंजाब में और यहाँ सिंध में भी, सब जगहों पे ऐसे लोग प्रोफेशनल बैठे हुए हैं जो बड़ी हद तक जो है वो हेल्प कर सकते हैं। और एज एन एक्सटर्नल कोलाबरेटर, यानी वो ऑडिट करें, असेसमेंट करें और फिर उनको रिपोर्ट उनके साथ शेयर करें और उनको एडवाइस भी करें। वो फिर उसको इंश्योर कराएं कि वो चीज़ें जो जहाँ पे गेप है, जहाँ पे लेकिंग है, वो लेकिंग जो है वो कैसे, यानी अब देखें हमारे अलमिया ये है कि जो एक ऑडिट में जो फाइंडिंग्स होती हैं उसका करेक्टिव एक्शन बकायदा नहीं बनता, ना आपका सोशल सिक्योरिटी का बनता है, ना ईओबीआई का बनता है और ना लेबर डिपार्टमेंट का बनता है। आपको पता है कि लेबर डिपार्टमेंट का एक रजिस्टर होता है जो मुआयना की बुक होती है, उसके अंदर लेबर इंस्पेक्टर जो है अपने रिमार्क्स लिख के आ जाता है, उसमें इंस्पेक्टर कहता है कि आप इसको सही करें, मगर उसके लिए ये नहीं कहता कि आप इसके सही करके तो मुझे कोई रिपोर्ट भेज दें ये सर। और उस वो लॉ में भी नहीं है, मतलब अभी इसलिए नहीं कह रहा कि लॉ में उसको दिया हुआ, तो लॉ भी जो है अमेंड हो सकता है। यानी आप वो पत्थर पे लकीर तो नहीं हो गया जो पुराना बना, तो इस तरह से अमेंडमेंट आ सकती है कि जब वंस वो इंस्पेक्शन करता है लेबर इंस्पेक्टर और वो देखता है कि कुछ इरेगुलरिटीज हैं और वो फिर एक टाइम फ्रेम देता है कि भाई ये तुम इसको 2 महीने में या 1 महीने में मुझे सही करके वापस जो है ये दो, अगर नहीं करता तो फिर उसके ऊपर फाइन या ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। कि भाई एक रिस्की एरिया है जहाँ पे जो है वो फेटेलिटी का रिस्क है या इंजरी का रिस्क है, तो वो खत्म होना चाहिए और उसका करेक्टिव एक्शन फौरी होना चाहिए। तो ये उसकी फाइंडिंग्स भी कैटेगराइज भी होनी चाहिए, यानी मेजर माइनर और ऑब्जर्वेशन में भी कैटेगराइज होनी चाहिए। और मैं, जब आपने ये बात की ना कि वो दोनों मतलब यानी वो एग्जिस्ट करेंगे, वो बिल्कुल नहीं खत्म होंगे, तो समझ में आ रहा है कि वो एक्सटर्नल कोलाबरेटर या एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपना रोल अदा कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ये बिल्कुल सही। जी सर, आज के सेशन के लिए मैं लास्ट क्वेश्चन, एक टर्म ही बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये एक क्वेश्चन है,
टेल समथिंग अबाउट इंटरनेशनल एक्रीडिएशन, बेसिकली कि ये एक्रीडिएशन क्या चीज होती है, ये भी एक इस फील्ड में एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, और ये सर्टिफिकेशन से कैसे डिफरेंट है, और इसको क्या एक्रीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन ने लेनी होती है या ऑडिटर्स के लिए है ये? देखें, एक्रीडिटेशन इदारे होते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान नेशनल काउंसिल करके, पाकिस्तान इसका पेनेक करके ना, पाकिस्तान एक्रीडिटेशन काउंसिल है, सही, पाकिस्तान नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल। तो जितने भी आपके टेस्टिंग बॉडीज हैं, सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं, ये इस तरह के हैं, तो वो उनको ऑथराइज कर रहा होता है काम करने के लिए। अब इसी तरह से अमेरिका का जो है वो अपना एक एक्रीडेशन बॉडी है, इसी तरह से यूरोप के अंदर जैसे यूकेएस है, यूनाइटेड किंगडम एक्रीडेशन सर्विस। अब इन ये जो है इस तरह की अथॉरिटीज होती हैं कि गवर्नमेंट, ऑफिशियली गवर्नमेंट ने इनको एक्रीडेशन के लिए ऑथराइज किया होता है, यानी जितनी भी आपकी इस तरह की सर्विसेज देने वाली हैं जो चेक करें, जो चेक करते हैं, चाहे वो ऑडिट कर रहे हैं, चाहे वो कैलिब्रेशन कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल, ये जो क्या बायोलॉजिकल लैब होती है, जो ये जो हमारी लैब्स होती हैं हॉस्पिटल के साथ अटैच होती हैं, इनकी सर्विसेज हैं, या कोई और टेस्टिंग की सर्विसेज हैं, इन सब ये सॉर्ट ऑफ चेकर हैं, मॉनिटर हैं, इनकी ऑथेंटिसिटी, यानी जो एक्रीडिटेशन बॉडीज होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उनके अपने क्राइटेरियाज होते हैं कि जो चेकर हों वो, उनकी ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए या उनके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, वो उनकी कैपेबिलिटी और उसकी एबिलिटी को देखते हुए उनको ऑथराइज करते हैं कि यू कैन डू ऑडिट अगेंस्ट ISO 9000, ISO 14000, या OSHA या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, या आप यू कैन डू ऑडिट अगेंस्ट SA8000। इस तरह से डिफरेंट जो है उनको एक्रीडेशन जो है वो अलाउ कर रहे होते हैं कि भाई आप जो है ये ऑडिट परफॉर्म कर सकते हैं, मगर वो अगेन वही वाली बात है कि उनके एक प्रॉपर क्राइटेरिया सेट होते हैं, उस क्राइटेरिया पे उस लैब को जो है वो पूरा उतरना होता है, अपनी पूरी उसकी रिक्वायरमेंट उनके सामने देनी होती है, उनके अपने भी ऑडिट होते हैं, असेसमेंट होती है, उसके बाद वो उसको अप्रूवल देते हैं कि नाउ यू कैन डू। अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे किसी XYZ इंडस्ट्री से आप कोई कैलिब्रेशन कराते हैं, ठीक है, तो कैलिब्रेशन वाला आपके जितने भी मेजरिंग इक्विपमेंट हैं, जो भी गेजेस हैं, या जो वेइंग स्केल्स हैं, या वॉट एवर, जितने भी उनको कैलिब्रेट करके आता है, ये इंश्योर करता है, ये बताता है कि भाई ये मैं आपको सर्टिफिकेट इसलिए इशू कर रहा हूँ कि आपका ये जो इक्विपमेंट है ये 100% ठीक है, राइट। अब आप बड़ी जिम्मा हो गए उससे लेके, मगर इस बात की क्या ऑथेंटिसिटी है कि वो इतना कैपेबल है या नहीं है, तो उसको फिर वो एक्रीडेशन बॉडी जो है अप्रूव करती है, वो आप उसके लिए क्राइटेरिया उसने फिक्स किया होता है कि वो अपने उस क्राइटेरिया को मीट करे तो वो उस काबिल होगा कि वो जाए। सेम इसी तरह से स्टैंडर्ड्स के लिए भी कोई प्रोटोकॉल। सही, चले, थैंक यू। अच्छा, मेरा एक इसमें ड्यूरिंग डिस्कशन ये एक चीज अराइज हुई, जब ये आपका मैं देख रहा था इंट्रोडक्शन और विजिटिंग कार्ड भी, तो उसमें एक वर्ड यूज हुआ था लीड ऑडिटर एंड स्कोर एट ILO, कुछ ऐसा लिखा होता, तो व्हाट इज दैट स्कोर? वो स्कोर क्या चीज है, और ILO के साथ आपका वो उसको कैसे कोरिलेट कर रहे हैं आप? ILO, देखें ILO का तो आपको पता ही, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये ज़ेरी इदारा है यूनाइटेड नेशन का। तो ILO टोटली जो डील कर रहा होता है वो लेबर स्टैंडर्ड्स की पब्लिकेशन और उनके ऊपर सारी इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, और इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब आप एक जो है इंटरनेशनली जो है एक यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव है डिसेंट वर्क का, तो डिसेंट वर्क के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उससे एसोसिएटेड जो है उस तरह के प्रोग्राम ऐसे उन्होंने डिज़ाइन किया ILO वाले ने, कि जो जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनके ऊपर जो है वो इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करने के लिए वो कोशिश कर रहे होते हैं। उसमें जो टिपिकली जो स्कोर की आप बात कर रहे हैं, स्कोर जो है, स्कोर मीन सस्टेनिंग कम्पिटिटिव रिस्पॉन्सिबल इंटरप्राइजेस, सस्टेनिंग कम्पिटिटिव रिस्पॉन्सिबल इंटरप्राइजेस, ये जो है ये ग्लोबल एक मेथडोलॉजी है या एक टेक्निक्स है काम की वर्क प्लेस के ऊपर, मीडियम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के ऊपर, जिसके अंदर इन चीज़ों का मर्जर है, वर्क प्लेस कोऑपरेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी,
एंड क्लीनर प्रोडक्शन, ये चार पांच चीजों का ये मर्जर हो के एक सॉर्ट ऑफ एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, एक गाइडलाइन बनी हुई है। तो ये इन्होंने अभी कैम्बोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो किए हैं। हजारों के हिसाब से, हजारों तो नहीं, सैकड़ों के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस ने इनमें पार्टिसिपेट किया है, और इसका अभी तक जो सक्सेस का रेशियो रहा है वो मोर देन 88% जो है वो ये ओवरऑल सक्सेसफुल रहा है। तो अभी ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये नवंबर 2018 के अंदर। तो मैं भी उनके साथ एज एन एक्सटर्नल कोलाबरेटर जो है वो काम कर रहा हूँ, और मैंने इसकी जो बेसिक मेथडोलॉजी के ऊपर जो है हमारी एक इंटरनेशनल ट्रेनर ने उसकी ट्रेनिंग कराई। तो फिर हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ये सर्विसेज अब दे रहे हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ये स्कोर का प्रोग्राम है फ्री ऑफ कॉस्ट है, अब बशर्ते कि लीगली काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन और वो संभाल रहे हैं, तारीफ में आ रही है, तो वो अप्लाई कर सकता है ILO को, और वो उसमें जो है वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और ये तकरीबन जो है इसके पांच मॉड्यूल, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, पांच चीज़ों का मिक्सचर बना हुआ था, हर एक का अलग अलग मॉड्यूल है। यानी वर्क प्लेस कॉपरेशन का 4-5 महीने का होता है, जिसमें एक बेस बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आगे काम के लिए, और उसके बाद फिर QMS हो गया, फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, और इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा एडवांस काम किया जाता है। तो तकरीबन 1.5-2 साल का जो है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये होता है। तो अभी तक तकरीबन हमने 8 ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ काम किया पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा सक्सेसफुल उसके रिजल्ट रहे। रिसेंटली हमने उसको क्लोज किया है, तकरीबन ये अगस्त के महीने में एंड हुआ है, और वो बड़ा ओवरऑल सक्सेसफुल रहा था। आगे भी अभी उसके प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये था स्कोर के हवाले से। बाकी चले जी, आपकी माशाल्लाह इसका एक्सीलेंट। आप एक प्रूडेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के एक अम्ब्रेला के अंदर वैरायटी ऑफ सर्विसेज और स्किल्ड एक्सपर्ट सर्विसेज जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं और रेंडर कर रहे हैं, और ये एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन है फॉर द कम्युनिटी एंड फॉर इंडस्ट्री। अच्छा दिलावर साहब, अभी ये हमारी बातचीत हुई और मेरे पास जो क्वेश्चन आए व्यूअर्स के भी, और मैंने भी जो इसमें कुछ नोट्स लिए हुए थे, जी तो जी अभी आप कोई इंपॉर्टेंट चीज कोई समझते हो, कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं पे कोई ऐड करना चाहें, तो सो दैट हम अपनी इस टॉक की क्लोजिंग की तरफ चलते हैं सर। आराध्य साहब, मैं ही बात करूंगा बड़ा एक तय दिल से, कि हमारी जो आपकी जो SIRP की जो काविशें हैं, मैं समझता हूँ ये हमारा जो ग्लोबल ऑब्जेक्टिव है डिसेंट वर्क का, ये यूनाइटेड नेशन का जो 2030 का जो विजन है उसके लिए जो उन्होंने 17 ऑब्जेक्टिव, जो ग्लोबल ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए, सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव गोल्स जो बनाए हुए हैं, उसमें ये 8वें नंबर का गोल है, जिसके अंदर ये इंडस्ट्रियल हार्मनी और पीस और ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो गया, सोशल डायलॉग हो गया, और ये सारी चीज़ें हो गई। तो आपकी ये काविश भी जो है मेरे ख्याल में उसके लिए एक पाथ बना रही होती है, उसकी अचीवमेंट के लिए और उसको वो करने के लिए। तो मैं आपके साथ जितने भी दोस्त हैं, मैं उनका बड़ा उनकी जो काविशें हैं वो भी माशाल्लाह से आपके पास आपके साथ जो है वो कोऑपरेट कर रहे होते हैं, उस काम में शामिल होते हैं, तो उनकी भी जो एक्टिविटी है या उनके काम है उनको मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करूंगा। और मैं कहूंगा कि इसको जिस तरह से आपने इनिशिएट किया है, इसको बढ़ चढ़ के मजीद जो है इसके अंदर और आगे काम किया जाए, और ये अवेयरनेस जो है जो इंडस्ट्रियल पीस और हार्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, या एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के हवाले से, या सोशल डायलॉग की प्रमोशन के हवाले से, ये अल्टीमेटली हम जो ग्लोबल ऑब्जेक्टिव है उसकी अचीवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, उसको अचीव कर रहे होंगे, तो वो हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त उसके अंदर आपका और हमारा ये कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस प्लेटफॉर्म को जो है जितना कितना मौसर बनाने में हमारे बाकी दोस्त भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे या पार्टिसिपेट करेंगे, तो इनशाला ये हमारे लिए बड़ा ही बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा ही रिमार्केबल इसके रिजल्ट जो है वो हमारे सामने फ्यूचर में आएंगे। तो मैं अगेन जो है आपके साथ साथ जो है उन सब का भी मशकूर हूँ जो इस प्लेटफॉर्म से टाइम टू टाइम सजेस्ट कर रहे होते हैं, अपनी कीमती जो है राय इसमें दे रहे होते हैं, तो बड़ा जो है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इसमें जो इस ग्रुप के अंदर ये इन इन इसके अंदर जो लोग हैं, मैंने देखा बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग और बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग जो है आपके साथ अटैच हैं, और बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस लिए हुए जो है वो बैठे हुए हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसका। एक तो किताबी चीज़ें होती है, हम LLB कर लेते हैं, उसके बाद हम डिप्लोमेज भी, सारी चीज़ें कर, मगर ऑन ग्राउंड जो है जब आपको मसले आते हैं, जब आपको प्रॉब्लम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब आप काम कर रहे होते हैं, तो वो असल एक्सपीरियंस होता है। तो आपके साथ ज़्यादातर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने
10 15 15 20 20 सालों से जो है वो ये मसले जो है सुलझा रहे हैं और इनके ऊपर काम कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल पीस को और हार्मनी को जो है वो फरोग दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा समय में एक छोटा कार्य खैर है। तो ये मैं करना चाह रहा था आपने आंसर। चले, थैंक यू वेरी मच। इसमें सर आई एग्री के ये जो SIRP का प्लेटफॉर्म और इसकी जो मैनेजमेंट टीम बनी है जी। और इवन इसके जो मेंबर्स हैं ऑल आर प्रैक्टिशनर्स एक्टिवली जो दे आर एंगेज और इन एम्प्लॉयमेंट हैं। इसकी यूनिकनेस ये है कि इसके अंदर तमाम वर्किंग लोग हैं और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रखते हैं और प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किया जाता है, एक दूसरे से लर्न किया जाता है। बिल्कुल क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्रियल रिलेशन ये एक यूनिक सब्जेक्ट है, इसका अक्रॉस दी कंट्री या अक्रॉस दी इंडस्ट्री कोई एक स्ट्रेटजी जो है वो सम टाइम हर जगह वही रिजल्ट नहीं दे पाती। तो सही डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका अपने डिफरेंट कल्चर होते हैं, सही रीजनल चैलेंजेस डिफरेंट हैं सही और अभी आफ्टर 18th अमेंडमेंट लीगल चैलेंजेस भी डिफरेंट हो गए। सही तो ये बेसिकली ये प्लेटफॉर्म जो है उसी चीज को देखते हुए एक जो है काम कर रहा है कि एक नॉलेज शेयरिंग लर्निंग हो और एक दूसरे से हम लोग सीखते रहें। यस और उसके बाद सर अब ये लर्निंग के हवाले से ही बात आ गई, मैं इसका क्लोज करना चाहता हूँ लेकिन फिर बीच में कोई ना कोई बात निकल आती है। तो जी अभी आप भी हम देख रहे थे कि आपके प्लेटफॉर्म से प्रूडेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से जी कराची में कोई लेबर लॉ के ऊपर कोई सेमिनार होने जा रहा है, उसके बारे में भी काइंडली बताइए कि वो कब कंडक्ट हो रहा है और उसके क्या कंटेंट्स क्या हैं। जी राय साहब, ये हमने अभी एक इनिशिएट किया था। ये एक कोर्स तो पहले हम करा चुके थे, अब दूसरा जो है वो टिपिकली जो है जो डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस, डिसिप्लिनरी एक्शंस और डोमेस्टिक इंक्वायरी के जो मैटर्स होते हैं खासतौर पे इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर और एचआर के जो ये सारे मामला होते हैं उसमें जो बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशन या लीगल इश्यूज आ रहे होते हैं। तो बड़े ही एक हमारे साथ एक हमारे उस्ताद हैं वो इसमें काफ़ी जो है एक्सपर्ट हैं, अराउंड 40 ईयर्स से वो यही पढ़ा रहे हैं और खुद उन्होंने इसके ऊपर किताबें भी लिखी हैं, डॉक्टर गयूर साहब। वो इसको इंशाल्लाह वो कंडक्ट करेंगे। ये बिल्कुल सब 27 अक्टूबर का हमारा प्लान था बट अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से हमने थोड़ा सा उसको एक्सटेंड किया। अब ये 3 नवंबर को इंशाल्लाह 3 नवंबर को ये कंडक्ट होगा मोहम्मद अली जिना यूनिवर्सिटी में और उसको वो फैसिलिटेट करेंगे डॉक्टर सैयद गयूर हसन साहब। और इंशाल्लाह आई होप कि बड़ा ही फ्रूटफुल और बड़ा सक्सेसफुल ये इवेंट रहेगा। ये टोटली जो है डिसिप्लिनरी एक्शन और डोमेस्टिक इंक्वायरी को कवर करके। एक्सीलेंट कंटेंट्स जी, आपने बड़ा जबरदस्त इसका कंटेंट सिलेक्ट किए हैं और सबसे बढ़ के डॉक्टर गजूर हसन साहब के पास अगर ये सेशन को अटेंड कर ले तो आज के दौर में से बड़ी ब्लेसिंग प्रोफेशनली क्या हो सकती है। बिल्कुल ही सर इज अ बिग नेम, उनकी सर्विसेज हैं डेकेड्स पे मुहित, उनकी सर्विसेज हैं। जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दिलावर साहब, अगर इस वीडियो के एंड पे कमेंट्स, क्योंकि अभी यहाँ पे साथ साथ इसको अपलोड नहीं हम कर पाएंगे, शायद इसमें फीचर नहीं है कोई ऐसा, तो उसका कुछ इंफॉर्मेटिव मटेरियल या अगर कोई ब्रोशर वगैरह वो इसके आप कमेंट्स में काइंडली अपलोड कर दें कर दूंगा। और प्लस अपनी ऑर्गेनाइजेशन का या आपका अपना विजिटिंग कार्ड, इन केस अगर कोई हमारे मेंबर्स आपसे कोई फर्दर